हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पीटी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड कोण पी क्यू सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर। द मेजर ऑफ द क्यू पी टी इज व्हाट, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको फिगर पहले दिखा दूं। तो यहाँ पे फिगर के अंदर आपको जो ये पी POQ आपको एंगल है वो कितना गिवन है, ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया है 65 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना आपको 65 डिग्री गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है QPT यानी कि ये वाला एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यहाँ पे बेसिक आपको प्रॉपर्टी चूज करनी है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे दोनों इक्वल साइड होगी, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, जो ओ पी क्यू ट्राइंगल है उसके अंदर ये वाला एंगल तो आपको 65 डिग्री है, और ये दोनों एंगल कैसे होगे, इक्वल होंगे। और कितने होते हैं वो हम सोल्व करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। पी और क्यू दोनों सेम है इसलिए हम टू एंगल पी लेते हैं, क्योंकि इक्वल एंगल साइड की इक्वल ऑपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल, यू स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 9। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। इस साइड आएगा 65 तो क्या होगा, एंगल पी टू पी इज इक्वल टू 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 क्या मिलता है, 150, डिवाइड बाई 2 कर दो तो एंगल पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना होगा 57.5 होगा। कितना होगा, एंगल पी की वैल्यू है वो 57.5 होती है। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू पी टी प्लस एंगल ओ पी क्यू OPQ इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोनों का सम। तो यहाँ पे OPQ की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 57.5, और यहाँ पे 90 डिग्री, 57.5 माइनस 90 करो तो ये आपको QPT मिल जाएगा। एंगल QPT इज इक्वल टू 90 माइनस 57.5, कितना आंसर मिलता है आपको, 90 माइनस 57.5 करेंगे तो 32.5। ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। वापस यहाँ पे मैं आपको सी जो समझाने जा रहा हूँ वो आपको बता दूं कि जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो कितना है, 65 डिग्री है, और ये टोटल एंगल होता है तो वो कितना होता है, 90 होता है। और ये जो एंगल ओ पी क्यू और ओ क्यू पी यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल हम प्रॉपर्टीज यूज कर लो तो पी प्लस क्यू प्लस ओ इज इक्वल टू 180, और उसमें एंगल पी और क्यू दोनों इक्वल होते हैं इसलिए 2p और ए ओ तो ओ की वैल्यू 65 गिवन है वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस 180 माइनस 65 यानी कि आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एंगल पी की वैल्यू मिलेगी 2 एंगल पी इज इक्वल टू 115, और पी इज इक्वल टू क्या होगा 115 डिवाइड बाई 2। 115 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना मिलेगा, 57.5 आंसर मिलता है एंगल पी की वैल्यू। नाउ यहाँ पे जो ए वाला नीचे वाला एंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज कर लो, ए वाला एंगल प्लस ए वाले दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो एंगल क्यूपीटी क्यूपीटी प्लस ओपी क्यू इज इक्वल टू 90, तो उसमें ओपी क्यू की वैल्यू कितनी है, 57.5 की 1। तो 57.5 इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 90 माइनस 57.5 करोगे तो 32.5 मिलता है, तो आप फुल एंड फाइनली जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, 32.5 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।